आज इतनी जितना भी हो केवल हमने के मूर्ख बनवाओ। अभी वर्तमान सरकार ले आलो मैया सम्मान के योजना, एक योजना के हम बुराई करे खातिर ना आए ही है। लेकिन एक बात बताओ दीदी साहब, मौसी साहब, काकी साहब, जेठी साहब, अगर सरकार के सच में बहन सब के, महिला सब के अगर इतने चिंता हलाए तो 2020 में लाते 2020, 21, 22, 23, 24, 4 साल भाई इतने 4 साल भतले ना, यानी वो चुनाव से 2 महीना पहले लेके आए लो। यानी मकसद की है कि मैया सम्मान योजना के दिखाए के फिर भुतवा ले लेना है और फिर 4 साल रखने के सुताई के रखना है और फिर 2028 में 2029 में कोई योजना लाइन के रखने के 2-400 देना है और रखने के सुताई के रखना है। इसलिए आज आप तोहनी के भी सोचे हो तो यदि चूंकि यहाँ ही खिजरी विधानसभा हो, ये विधानसभा में विधायक भी सरकार के तरफ से हो, जे भी हो, सुने यह पैसा लेके गया लो बंगाल ना, यह तो खिजरी वाला विधायक बंगाल के ला लो, एगो मंत्री बन गया लो, 10 लाख के साड़ी किने गया लो, इंटरव्यू दलो कि हम लोग 10 लाख रुपया करी पकड़े लो चोरवाए, तो अर्थ यहाँ के विधायक को चोरी में पकड़ाए गया लो, वही तो हम लोग साड़ी किने गया लियो। तो अगर विधायक चूंकि सरकार के पार्टी से हो, गठबंधन से हो, यदि कभी भी बोल तो कि हम लोग मैया सम्मान योजना लेके आए हैं, तो ध्वनि एक लाइन जरूर बोल भी कि मैया सम्मान योजना से हम लोगों को 1000 रुपया मिला है, लेकिन बदले में आपके मुख्यमंत्री को महीना कितना मिलता है कोई आइडिया है? मुख्यमंत्री के महीना 3 लाख, अगर पत्नी के महीना 3 लाख, अगर भौजी के महीना 3 लाख, अगर छोटका भैया के महीना 3 लाख, अगर बप्पो के महीना 3 लाख, 5 या 15 लाख महीना, और तोहनी के 1000। 15 लाख लीगल, 15 लाख तो लीगल महीना, लीगल लीगल, और बाकी हिंदे से, होंदे से, फैक्ट्री से, कोयला से, खदान से, जमशेदपुर से, बागमारा से, झरिया से कितना मिला है अगर कोई हिसाब ना। इसलिए आज झारखंड के एक नई सोच के साथ जो राजनीति में तो ऐसा नेता की आवश्यकता हो, एक नहीं केवल और केवल इस राज्य के जनता की गुमराह करे के काम कर ले। अभी माननीय मुख्यमंत्री बोल तो हम आदिवासी, अरे भाई ठीक है आप आदिवासी का ही बेटा है तो आप हमको हिसाब दीजिए कि रांची में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीद लिया। आप केवल अपना जमीन बचाइएगा, आप केवल अपनी पत्नी को देखिएगा, या आदिवासी परिवार में हजारों बहुएं, हजारों बेटियां हैं उनको देखिएगा। यही ध्रुव पंचायत है बगल में, ये है ना, ये ध्रुव पंचायत है, यहाँ आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, न जाने कितने बड़े बड़े अधिकारी कोड़ी का भाव में यहाँ जमीन खरीद के घर बनाया है। मुख्यमंत्री अगर आदिवासी हितैषी हैं तो सीएनटी का जमीन कैसे लिए इसका हिसाब दीजिए। इसलिए इस बार किसी प्रकार के धोखा में नया ना हो, ये तो भाई गलो मुख्यमंत्री के बाद अभी अवसर देख के बीजेपी वाले बोल तो बीजेपी आंसू वाले कि ना अगर जेएमएम कांग्रेस ठीक काम नहीं कर लो तो हमने के दे दे। तो आज थोड़ा सा हिंदी में बोलवे चुकी होकर प्रभारी असम से लगाए माननीय हेमंत बिस्वा जी को मेरा संदेश दीजिएगा। पहले हम उनकी तारीफ करते हैं कि बहुत कूटनीति वाले नेता है हेमंत बिस्वा, भले वो हमारे विरोधी हैं लेकिन जो सही है उसका तारीफ करना चाहिए। हेमंत बिस्वा बहुत बड़े कूटनीति वाले नेता है और इतने माहिर नेता है कि चंपाई सोरेन और लोबिन हेमरम को फोड़ लिया, इतने माहिर नेता है। तो आज माननीय हेमंत बिस्वा और बीजेपी को मैं ये संदेश दूंगा कि वाकई में झारखंड के लोग को आप इतना मूर्ख समझते हैं या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यही बीजेपी। बगल में उड़ीसा है, आपको जानना चाहिए उड़ीसा में चुनाव इन्होंने जीता है, किसको हराया है मालूम है ना,
नवीन पटनायक को हराया है। मामूली आदमी नहीं है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने हमेशा मोदी जी का समर्थन किया है केंद्र में, उस व्यक्ति को हराया है। लेकिन क्या बोल के हराया है मालूम है? पांडियन गो बैक। पांडियन नहीं चलतो, नहीं चलतो कहां? उड़ीसा में। अब सवाल ये पांडियन कौन है? नवीन पटनायक कुंवारे है, मालूम है ना? जैसा मुझे जानकारी आप लोग कंफर्म कीजिएगा, नवीन पटनायक कुंवारे मुख्यमंत्री है, यानी उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु दक्षिण भारत के बीके पांडियन को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ये बीजेपी उड़ीसा में क्या बोलती है कि तमिलनाडु का आदमी उड़ीसा में ना चलतो तो झारखंड का आदमी बोका है, राजस्थान का संजय सेठ चलतो। यह बीजेपी, झारखंड की जनता को इनका दोहरी नीति जानना चाहिए। जो बीजेपी के भक्त है आपको समझना चाहिए, यही बीजेपी नवीन पटनायक को हरा दिया खाली इतना बोल के कि पांडियन उड़ीसा में नहीं चलेगा। पांडियन कौन है? तमिलनाडु का शख्स है, वो नवीन पटनायक जी का सलाहकार था और आज नवीन पटनायक उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, जैसे गुरु जी का हेमंत सोरेन बने। नवीन पटनायक पांडियन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और बीजेपी ने नारा दिया बाहरी नहीं चलेगा। तो जब उड़ीसा में बाहरी नहीं चलेगा तो झारखंड अलीबाबा का ढाबा है या छत्तीसगढ़ का सीएम कहे चलेगा? यहाँ माननीय रघुवर दास कहे सीएम बने, ये बीजेपी से सवाल होना चाहिए। यही बीजेपी उड़ीसा में क्या कहती है? पांडियन गो बैक। पांडियन उड़ीसा में नहीं चलेगा, पांडियन दक्षिण भारत का है, पांडियन आएगा तो उड़ीसा की संस्कृति पे असर पड़ेगा, उड़ीसा की सभ्यता पे असर पड़ेगा, उड़ीसा की भाषा पे असर पड़ेगा। तो हम भी कहते हैं बीजेपी वालों से, अगर संजय सेठ आएंगे, अगर बी डी राम आएंगे, अगर जयंत सिन्हा आएंगे, अगर राज सिन्हा आएंगे, अगर बिरंजी नारायण आएंगे तो झारखंड की भाषा, झारखंड की सभ्यता पे असर पड़ेगा, असर पड़ेगा झारखंड की परंपरा पे। इसलिए माननीय हेमंत बिस्वा जी, मैं ये संदेश आप तक देना चाहूंगा, मैं तारीफ करूंगा आपकी, आप बहुत कुशल राजनेता है, आप बहुत ही माहिर खिलाड़ी है राजनीति के। आपने लोबिन हेमराम जो कहते थे कि जब तक गुरु जी जिंदा है गर्दन कटा देंगे लेकिन जेएमएम से नाता नहीं तोड़ेंगे, आपने उस शख्स को फोड़ा है, आपकी तारीफ है। लेकिन सवाल है कि उड़ीसा में आपकी बीजेपी नारा लगाती है पांडियन गो बैक, तो झारखंड में संजय सेठ का वेलकम क्यों? झारखंड में संजय सेठ का वेलकम क्यों? झारखंड में संजय सेठ राज्य मंत्री केंद्र में क्यों? ये झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती है। मैंने हम लोग बोका है, हम लोग बेवकूफ है, हम लोग को जानते ही नहीं है, इसलिए सावधान रहिया। जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन से भी और बीजेपी आजू के गठबंधन से भी सावधान रहिया। एक निक्के बोलर केवल अपन केवल लूटे खातिर झारखंड में अपनी सरकार बनने के काम करो। और हम तारीफ तो आपकी ये भी करेंगे बिस्वा जी कि आप इतने माहिर खिलाड़ी हैं। अभी हमारी देवंत दीदी कह रही थी कि अभी एक नवजात पार्टी, बिल्कुल अभी हम लोग नवजात पार्टी हैं और उस पर आपकी नजर है। मीडिया वालों से बहुत अच्छा मीटिंग कर रहे हैं, पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं, बहुत माहिर खिलाड़ी है माननीय बिस्वा जी। आपकी इस कुशलता का हम तारीफ करते हैं, आप इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि अब नवजात पार्टी जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति महाकारी मोर्चा के खिलाफ भी आप बहुत साजिश कर रहे हैं। चलिए स्वागत है, आपकी साजिश हमें कमजोर नहीं करेगी, दुगना मजबूत बना के हमें सामने लाएगी। अब तो कमाल का आपने पैकेज दिया है भाई, जो सोशल मीडिया है, कमाल का पैकेज दिया है। आदरणीय प्रभारी महोदय, आपकी कुशल रणनीति की तारीफ करनी होगी, लेकिन याद रखिएगा आप झारखंड के लोग आपसे सवाल करेंगे उड़ीसा में पांडियन गो बैक, झारखंड में संजय सेठ का वेलकम कैसे, इसका आपको उत्तर देना होगा प्रभारी महोदय। ये लोग केवल झारखंड को बेवकूफ समझ लिया है कि झारखंड को कुछ नहीं आता। सही में हम लोग इस बात को मानना भी होगा
कि हम लोग थोड़ा सा कभी कभी बेवकूफी वाला काम भी करते हैं। आज तोहनी के मतलब जायो, अभी झारखंड के नौजवान, झारखंड के पढ़ल लिखल, झारखंड के शिक्षित, झारखंड के समझदार, अगर कोई भी नौजवान के पूछल जाए वो बोल तो जेपीएससी, सीजीएल, क्लर्क, टीचर, टेट, जेटेट के बात कर दो। लेकिन आपको मालूम है पैसा कहाँ है? पैसा एजेंसी में है, पैसा ठेकेदारी में है। आज तक आपका ध्यान नहीं गया, बड़ा बात बताने आए हैं। उदाहरण लेते हैं आपके पंचायत से, उदाहरण लेते हैं पंचायत भवन से, उदाहरण लेते हैं झारखंड में लगभग 4,500 पंचायत भवन है। पंचायत भवन में जो बल्ब लगता है ना, जो पेंटिंग होता है ना दरवाजे का, खिड़की का, वो एजेंसी ठीका लेती है, और एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। आपका ध्यान वो है ही नहीं। अरे जिस दिन झारखंड में ये नियम बनेगा कि जमींदाता को मालिकियत का अधिकार मिलेगा, कोयला के खदानों में, उद्योग में, तमाम जमींदाताओं को जिस दिन झारखंड में व्यवस्था होगी कि आपको मालिकाना हक मिलेगा, अरे बीडीओ, सीओ और दरोगा की नौकरी आपको मामूली लगेगी। हम लोग एक बड़ा विजन के साथ राज्य में आए हैं। चलिए ठीक है, वीडियो की सैलरी क्या है, चलिए गुना भाग करते हैं। क्या सैलरी है वीडियो की? 50,000। 50,000 12-25 यानी 6,00,000 सालाना, 6,00,000 ना सालाना, 6,00,000। एक वीडियो कितना दिन नौकरी करेगा? 30 साल। एक साल में 6,00,000, 30 साल को गुना कीजिए कितना? एक, ठीक से गुना कर लिए, 6,00,000 गुना 30 साल, यानी 6,00,000 में अगर 1,00 देंगे 30 का तो 60,00,000। 60,00,000 को गुना करेंगे कितना से? 3 से। गुना कर लीजिए, 60,00,000, 60,00,000, 1,20,00,000, 1,80,00,000, यानी एक वीडियो का जिंदगी भर का महीना कितना हुआ? 1,80,00,000। आपके आसपास जितना ठेकेदार है, जितना माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, कृष्णा इंटरप्राइजेज, राम लखन इंटरप्राइजेज, रहीम इंटरप्राइजेज, जितना भी इंटरप्राइजेज है, जितना भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जितना कंपनी है, बताइए उनका तनख्वाह कितना? अरे एक टेंडर में उन लोग अगर 10,00,000 बचाया तो सोच लीजिए कितना तनखा होगा। यानी झारखंड के लोग कभी दूर तक सोचे ही नहीं है। उनको लगता है वीडियो का नौकरी बहुत बड़ा है, उनको लगता है सीओ का नौकरी बहुत बड़ा है, उनको लगता है सीजीएल का नौकरी बहुत बड़ा है। लेकिन आप जानिए, आप जो एक बल्ब अब लगा रहे ना सरकारी दफ्तर में, एजेंसी के माध्यम से लग रहा है। अगर कलम जा रहा है ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है। अगर आप बेडशीट बदल रहे ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे उतना तो छोड़िए, अब स्कूल में प्रिंसिपल सरकारी होता है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी होता है, मैथ का मास्टर सरकारी होता है, लेकिन टीटी, आईटी और स्पोर्ट टीचर एजेंसी से जाता है। झारखंड के लोग कभी सोचे हैं नहीं, इतना पढ़ा लिखा युवा है, समझा रहे, समझिए। फिजिक्स का टीचर सरकारी होता है, केमिस्ट्री का टीचर सरकारी होता है, खेलने वाला टीचर अभी सरकारी नहीं होता है। आईटी एक सब्जेक्ट आया है, हम लोग आईटी है आपका, आईटी का टीचर सरकारी नहीं होता है। एक टीटी सब्जेक्ट आया है, टीटी का टीचर सरकारी नहीं होता है, गार्डनर सरकारी नहीं होता है, वॉचमैन सरकारी नहीं होता है, गेटमैन सरकारी नहीं होता है। कितना कितना लगा है सोच लीजिए। एजेंसी कौन लेती है? एजेंसी। इसलिए अगर हम लोग सरकार में आए तो बीडीओ सीओ के नौकरी में नहीं, एजेंसी में भी झारखंडी को भरेंगे। एजेंसी भी झारखंडी का होगा, ठेकेदारी भी झारखंडी का होगा। आप असल में आप अपने दिमाग को वहां तक डेवलपमेंट ही नहीं किए, आप अपने दिमाग को वहां तक डेवलप ही नहीं किए हैं, आपने वहां तक सोचा ही नहीं है कि झारखंड लूट कहां रहा है। आप कहीं चले जाइए, कोई भी सरकारी भवन, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र है,
चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे प्रखंड कार्यालय है, यहाँ पीडीओ सीओ सरकारी है, ऑपरेटर सरकारी नहीं है भैया। यही यहाँ जाइए, पीडीओ सरकारी है, सीओ सरकारी है, पीओ सरकारी है, पीएओ सरकारी है, यहाँ 30 को 32 को अधिकारी है वो सरकारी है, लेकिन बाकी जितना है वो एजेंसी से जाता है, आउटसोर्सिंग से जाता है, और वो आउटसोर्सिंग झारखंडी का नहीं है, हैदराबादी, गुजराती, इलाहाबादी है। यहां लूटा जा रहा है झारखंड को, और मुख्यमंत्री का घोषणा पत्र पढ़िएगा, वहां इन्होंने कहा था कि 25 करोड़ तक का टेंडर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्टेटमेंट दिया था, बकायदा लिखा था अपने कागज में कि 25 करोड़ तक का टेंडर एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के साथ देंगे, झारखंड को देंगे। नौकरी कितना एक टाइम में, अगर जेपीएससी का बहाली निकलता है तो एक टाइम में कितना निकलता है, 250, एक टाइम में 250 भी कितना, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, एजेंसी नहीं करने से भी 10,000 हमको लगता है काम है, उससे कई हजार है, 10,000 से ज्यादा एजेंसी है, और हमको लगता है 99% गैर झारखंडी। आप कहीं चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, जो सरकारी भवन है, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे कोई स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे प्रखंड कार्यालय है, चाहे जिला कार्यालय है, चाहे जज का ऑफिस है, जज का ऑफिस में पीपी सरकारी होता है, लेकिन बाकी जो इधर उधर रहता है वो आउटसोर्सिंग कंपनियां देती है। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन झारखंड का कभी ध्यान ही नहीं गया है, यही तो सेटिंग होता है, यही तो सेटिंग होता है, पैसा तो यहां है, पैसा यहां है, सरकारी नौकरी में उतना पैसा नहीं है जितना यहां ठेकेदारी में, आउटसोर्सिंग में, एजेंसी में है। बताइए वहां कितने झारखंडी है, इसी भीड़ में बताइए कितने लोग एजेंसी के ओनर है, इस भीड़ में कितने लोग एजेंसी के ओनर है। आप बीसीसीएल में चले जाइए, आप सीसीएल में चले जाइए, आप बीसीएल में चले जाइए, वहां भी एजेंसियों को कोयला खोदने का टेंडर दिया जाता है, कहीं संजय उद्योग है, कहीं खेमका है, कहीं आनंदिता है, कहीं त्रिवेणी है कि नहीं, एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। तो झारखंड क्या झालमुड़ी बेचने के लिए, क्या झारखंड कच्चा बादाम बेचने के लिए हमने लिया है, बताइए दीदी लोग। इसलिए आज आपको भी सोचना होगा, क्योंकि आपको भी पॉलिटिक्स को समझना होगा, आपको राजनीति को समझना होगा कि राजनीति क्या है, झारखंड राज्य मिला कैसे है, आपके बाप दादाओं ने संघर्ष किया है, आपके बाप दादाओं ने गोली खाया है, तब जाके झारखंड राज्य मिला है। इसी रोड में अभी जो हम लोग टाटी सिल्वे के रोड में आए, हमको लगता है नहीं तो 4 या 5 झारखंड आंदोलनकारियों की प्रतिमा है कि नहीं, एक रोड में 4 को 5 को आंदोलनकारी है, तो ऐसा ऐसा रोड 1000 को है, यानी कितना लोग जान दिया है, कितना लोग बलिदान दिया है, कितनी माओं का गोद उजड़ा है, कितनी पत्नियों का मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब हमें झारखंड मिला है। और झारखंड अगर संजय सेठ चलाएगा तो तकलीफ भी होगा और गुस्सा भी आएगा, तकलीफ भी होगा और गुस्सा भी आएगा, क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए जिनको मेरा भाषण कड़वा लगता है, ज्यादा नहीं 6 महीना घूमिएगा गांव गांव, 6 महीना घूमिएगा टोला मोहल्ला, तब आपको मालूम चलेगा क्या अन्याय हुआ है हमारे साथ। आज बगल में केतल सूद का डैम है, कितना गांव उजड़ा होगा, 30-40, वहां जो काम कर रहे हैं वो कहां के हैं, ये कौन सा व्यवस्था है, गांव हमारा, खेत हमारा, खलिहान हमारा, और आज हम कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं। यही उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है, उषा मार्टिन फैक्ट्री है, यही मेगा फूड है, और यही बाबा रामदेव का ढोंगी चरित्र भी है। ठीक है, बाबा है तो हम क्या करेंगे, 1 रुपया डिसमिल जमीन खरीदा जाता है। सुनिए झारखंड वासियों, मैं एक कड़ा बात आपसे बोल रहा हूं, शायद आपको बुरा लगे, भगवान भी अगर जमीन मांगे तो मत दीजिएगा,
भगवान का आसमान है, धरती का किसान है। मेरी बात आपको बुरा लग रहा होगा, लगे, एक बहुत विद्रोही कवि ने भी लिखा है कि भगवान का आसमान है, धरती किसान का है। भगवान के नाम में भी जमीन मत दीजिएगा। कांके में गौशाला को 108 एकड़ जमीन दिया था, उन्होंने दे दिया डीएवी को। ले दे के आपका जमीन पूंजीपति को जाएगा, आपको भीख मांगना होगा। कोई अगर भगवान के नाम में भी जमीन मांगे मत दीजिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तब सोचिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तो सोचिएगा, नहीं तो बाबा रामदेव जिसको लोग पूछते हैं, 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया है यहाँ, गलत बोल रहे क्या? आवाज नहीं आ रहा है, गलत बोल रहे क्या? भगवान अगर डायरेक्ट मांगे, जैसे आसमान में वो बड़ा तस्वीर आया, लगे कि हाँ ये भगवान हो सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट बोले कि अनगढ़ा के लोगों, ये अनगढ़ा का मैदान हमें दे दीजिए, तब सोचिएगा, अभी सोचिएगा, देना नहीं है, सोच के दे दीजिएगा। भगवान का घर आसमान है, ये धरती किसान का है। क्या गलत बोल रहे हैं? इसी तरह झारखंड का जमीन हड़पा गया है। अगर भगवान जी डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट जमीन मांगते हैं, दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो रामदेव बाबा जैसा शख्स जमीन लूटने में देरी नहीं किया, किस पे विश्वास कीजिएगा? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जमीन लगाओ। तोहीन के सबसे बड़का संपत्ति धरतिया हो। ये नौकरिया के गारंटी ना हो, नौकरिया एक पीढ़ी। यहाँ बहुत कोई सरकारी नौकरी करा हथुन, ये देख कितना कितना पुलिस वाला भैया सब अले हो कि पुलिस वाला भैया गारंटी ले तो कि ओकर बेटवा पुलिस बन तो गारंटी ले तो की। लेकिन जब खेती बाड़ी कर रहा वो गारंटी ले लगा कि हमार बेटवा, अरे ना कुछ करते ना करता, हरवा पकड़ के जोत के अपन छुआ के अपन गिदर बुतरू के पेटवा भर ले। जमीन से बड़ा संपत्ति कुछ ना हो झारखंडी, कुछ भी ना हो। इसलिए रामदेव बाबा तो दूर के बाद, भगवान भी जमीन मांगते तो सोच लिया कि देना हो कि ना देना हो। जमीन से बड़ा कुछ ना हो, मैं तो आज भीख मांग रहा। आज झारखंडी जमीन दल कहा हिंडालको में, झारखंडी जमीन दल कहा HEC में, झारखंडी जमीन दल कहा रजरप्पा के प्रोजेक्ट में, झारखंडी जमीन दल कहा केतलसुद के डैम में, चांडिल के डैम में, माथेन के डैम में, कोणार्क डैम में, टेनू घाट के डैम में, पंचायत के डैम में, BCCL में, CCL में। और झारखंड के लोग कहां है जमीन दिलवा मालूम हो? बंगाल के ईटा भट्टा, असम के चाय बगान में, बंगाल के ईटा भट्टा में, असम के चाय बगान में, गुजरात के कपड़ा फैक्ट्री में, केरल के मछली फैक्ट्री में, और महाराष्ट्र के पत्थर के खदान में। इसलिए जे हमार बतिया ना बुझे पा रहा, 20 साल बाद फरिए वो 20 साल बाद तो ही बोल भी कि छोवा ठीक बोला ले छोड़े, वो गिद्र में ठीक बोला ले। 20 साल बाद तो ही हमारा खुद भी लालटेन लेके, आज तुरा मजा लग रहा लो, कहे कि जमीनवा के टाका से गाड़ी मिल जाओ, बड़का मोबाइल ले लही, बड़का सोना के चेन ले लही। 20 साल बाद तुरा पता चलतो कि एगो मोबाइल पावे खातिर तो एक खोवल की ही तुरा 20 साल बाद पता चलतो। आज चल जो जे जे जमीन दे है अपनी के हालत पूछियो, जे जे जमीन दे हालत पूछियो अपनी के, कांदा हथिन कांदा हथिन। हमरा की बोले मालूम हो कि अरे बाबू ते 30 साल पहले कहने जन्म लाली रे, ये बती आज कह बोल ही 30 साल पहले बोल तो बुढ़वन। आज हमरा बुढ़वन बोला हथिन कि तो 30 साल पहले कहने जन्म लाली रे छुआ। आज जितना बड़ा बड़ा बतिया बोल ही 30 साल पहले बोलता ली, आज हमारे जमीन वापस चलाई। इसलिए याद रखिया,
जैसे जैसे दिन बढ़ते कोयला खत्म है जी तो सारा खनिज खत्म है जी तो एखनी के नजर तो जमीन में पड़ते जमीन बचाई है। खैर अगर हमने सरकार में आई गलियो तो जमीन वाला कानून इतना मजबूत कर देव कि कोई बाहर के आदमी एक इंच नहीं खरीद सकल। जमीन नहीं बिकतो झारखंड के, हालांकि अभी भी कानून है लेकिन सरकारें बेच रहा ये कने हरमो नदी हो कि नहीं। हरमो नदी में हेलो हरमो नदी वहां देखियो नदिया में बहुत कोई घर बनाए ला बनवा लेना। एक दिन हेमंत सोरेन बोले चल योगी आदित्यनाथ जैसा हमें बुलडोजर चलवा है जितना घर बन ले ओकर में बुलडोजर चले शुरू भई गले। एगो दू गो घर टूटलाय और बुलडोजर रोके वाले कहे मालूम हो हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के भी कब्जा सही खातिर ईडी ओकरा भर दले आज आलमगीर आलम के चीना है ना हारमो में हो कब्जा कर ले हलो ईडी ओकर जगह ठेल ले है। अब हेमंत करते तो करते कि वो सोच रहे कि हम तो बहुत बड़ा पीर हम तो घर तोड़ गए हरमू नदी में लेकिन अगर मंत्री के घर मिल गया है मंत्री के नाम आलमगीर आलम कहे में कोई लाज शर्म नहीं। इसलिए झारखंड के अगर सुधारना हो तो आज सबसे पहले जनता के सुधरे तो जनता के लोभ लालच के त्याग है तो अच्छा एक बात बताओ वोट के समय वोट के समय जनता के 500 रुपया दे दे। अच्छा एक बात बता 500 रुपया लेके हमने वोटवा दे दा यदि हम 500 रुपया में अपन ईमान ना रखे पा रही है तो विधायक सांसद के कंपनी वाला फैक्ट्री वाला 5 लाख से 5 करोड़ जो है बताओ कैसे ईमान रखते। हमने के जब 500 और 5 हजार दे ना वोटवा के घरी हम इनके वोटा के समय कितना मिल हो 500 से 5 हजार जब 500 और 5 हजार में हम इन अपन ईमान ना रखे पा रही है तो अपनी 5 लाख में रखे पड़ता हो तो दोष देना गलत हो कि ना दोष देना गलत हो कि ना। इसलिए हमने के सबसे पहले 500 और 5 हजार के त्यागना हो हमने के सबसे पहले मुर्गा दारू हड़िया के त्यागना हो। जब हमने मुर्गा दारू 500-5 हजार ना लेके वोट दबाए तब अगर वो बेचता है तो ऐसे हकाय के कंजरिया दू झाप लगवे के हिम्मत भी रहते ठीक है। और एक बात हमारा ताजुब लगा कि पता नहीं हमने की सोच के वोट कराई भारत देश में वोट के व्यवस्था फैल है कि जनता